नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। प्रदर्शनकारी किसानों और दूसरे लोगों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। दिल्ली हरियाणा के बीच स्थित सिंघू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति खराब होती नजर आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया है। यहां किसानों का विरोध करते हुए भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसने यहां पर पत्थरबाजी की और किसानों के टेंट उखाड़ दिए। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के तहत हजारों किसान पिछले 2 महीने से मौजूद है, लेकिन गणतंत्र दिवस को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के उग्र हो जाने और हिंसा होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोपहर तक यह बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती थी, लेकिन कुछ 200 के लगभग लोग यहां पहुंचे और पत्थरबाजी और किसानों के टेंट उखाड़ दिए गए। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और किसानों ने शांति बनाने की अपील की है। अभी यह साफ नहीं हो सका है कि इतने लोगों की भीड़ प्रदर्शन स्थल तक कैसे पहुंची। घटना पर नजर डालें तो दोपहर के लगभग 1 बजे यह भीड़ प्रदर्शन स्थल पर पहुंची थी। किसानों और इन प्रदर्शनकारियों के बीच महज एक कॉन्क्रीट बॉर्डर बैरिकेटिंग रखी गई थी। कुछ देर तक भीड़ वही रही, फिर इन्होंने देश के गद्दारों को नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद इन लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की। पहले किसानों के वॉशिंग मशीन तोड़े और फिर उनके टेंट वगैरह उखाड़ दिए गए। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद स्थिति को काबू में लाया जा सका। इस घटना में एक शख्स और SHO पर तलवार से हमला करते हुए भी देखा गया है। इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सिंघू बॉर्डर के अलावा टिकरी बॉर्डर और दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर भी भारी सुरक्षा तैनात की गई है।